और अगर हम इस चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट करवा लें तो कई बीमारियां जैसे हियरिंग लॉस, ब्लाइंडनेस, डिप्रेशन, पैरालिसिस, एडिक्शन, एनजाइटी और एक्सट्रीम पेन को बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के हम घर पे ही क्योर कर सकते हैं। न्यूरालिंक एक बहुत छोटी सी चिप है जो अगर हमारे दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाए तो हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। जैसे हम किसी कंप्यूटर में फाइल्स डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, या हम एक कंप्यूटर से फाइल्स दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फ्यूचर में एडवांसमेंट के साथ हम न्यूरालिंक की मदद से अपनी मेमोरीज तक को भी सेव कर सकते हैं किसी रोबोट बॉडी या किसी कंप्यूटर में, और हम जब भी चाहें उन्हें दोबारा रीप्ले करके देख सकते हैं। पर अभी के लिए न्यूरालिंक सिर्फ एक ब्रेन मशीन इंटरफेस है जो आपके दिमाग को एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता है। और इन सुपर ह्यूमन गोल्स को अचीव करने से पहले न्यूरालिंक का फोकस है कि वो ह्यूमन सफरिंग को पूरी तरह ख़त्म कर सके, क्योंकि आज भी कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको क्योर करना बहुत मुश्किल है। हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को भेजते हैं। लेकिन कई बार इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वायरिंग की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे न्यूरालिंक इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीवायर करेगा, जिसकी मदद से पैरालाइज चल सकते हैं, डेफ पीपल सुन सकते हैं और ब्लाइंड पीपल देख सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ एक दिन की है और हम इसे इंडक्टिवली चार्ज भी कर सकते हैं एक नाइट कैप पहनकर, जो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। इस साल का वर्जन 2019 से डिफरेंट है। 2019 के वर्जन में हमें एक एक्सटर्नल ईयर पीस की ज़रूरत होती थी, लेकिन इस साल के वर्जन में सिर्फ एक चिप है जो हमारे दिमाग के अंदर ही फिट हो जाएगी। It's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. न्यूरालिंक की वायर्स और थ्रेड्स ह्यूमन हेयर से भी 10 times थिनर होती हैं, जो इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन से भेजे हुए सिग्नल्स को रीड करते हैं और देखते हैं हमारे ब्रेन और बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी नई तो बिल्कुल नहीं है, पर न्यूरालिंक सबसे अलग है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स डालेगा जो हमारे न्यूरॉन्स को हाई लेवल पर स्टिमुलेट करेंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कंपैरिजन के लिए यूटा रे ये अभी तक का बेस्ट ब्रेन मशीन इंटरफेस माना गया है और इसमें अराउंड 100 इलेक्ट्रोड चैनल्स हैं, और वही न्यूरालिंक के करंट वर्जन में 1000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स हैं। ह्यूमंस अभी भी ये सर्जरी करने के कैपेबल नहीं है, पर फिर भी एक दिन ये सर्जिकल रोबोट $3000 में न्यूरालिंक इम्प्लांटमेंट सर्जरी कर सकता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, जिसके बाद न्यूरालिंक हमारा एक बॉडी पार्ट बन जाएगा। All you can see afterwards is this tiny scar, and if it's under your hair, you can't see it at all. In fact, I could have a Neuralink right now, and you wouldn't know. Maybe I do. अभी ह्यूमन ट्रायल्स तो नहीं शुरू हुए, पर इन्होंने कई पिग्स और एनिमल्स पर टेस्ट जरूर किया है। So what we have in pen number one is Joyce. Joyce एक नॉर्मल पिग है जिसने न्यूरालिंक इम्प्लांट नहीं करवाया है। So here's Dorothy. Dorothy के पास डिवाइस होता था और उसकी सब हरकतें एकदम जॉयस की तरह ही थी। Gertrude, are you serious? इसके बाद है गर्ट्रूड, जिसके पास न्यूरालिंक इम्प्लांटमेंट पिछले 2 महीने से आया, उसे थोड़ा वक्त लगा था प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए। The beauty of live demos. Gertrude, thanks for coming out. ये बीप साउंड सिग्नल्स हैं जो उसके ब्रेन ने भेजे हैं, जब भी वो कुछ स्मेल करेगा या खाएगा और सब एक्टिविटी एक ग्राफ पे नोट होगी। लेकिन अभी भी न्यूरालिंक को कई अप्रूवल्स चाहिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने के लिए, ताकि वो पैरालाइज लोगों को हेल्प कर सके कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए। We'll make this as safe as possible. Just as with Tesla, while it is legally possible to ship a 1-star car, the only cars we make are 5 stars. We actually maximize safety and we'll take the same approach here at Neuralink. इलन मस्क ने कहा था कि वो 2020 के एंड तक ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर देंगे, जो अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कई और इश्यूज है, जैसे प्राइवेसी इश्यूज के किस आदमी से कितना डाटा कलेक्ट करना चाहिए और उस डाटा को सेफ कैसे रखा जाएगा। लेकिन अभी भी इसे रियलिटी बनने में बहुत टाइम है, और दूसरी तरफ न्यूरालिंक के रैपिड ग्रो करने के बहुत सारे प्लान हैं। करंटली इनके हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया में, जो एक बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ पे प्रेजेंट में 100 एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से 10,000 एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कि स्पेस एक्स के करंट स्टाफ से भी ज़्यादा है। The future is going to be weird. Fizzao mein aise 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 dheema dheema main. Fizzao mein aise 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 abhi kabhi ga main.